ग्लेजिंग का इफेक्ट बताएंगे जिसका नाम है मार्बल ग्लेज इफेक्ट। तो आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। सो टू प्रिपेयर दिस हमें लगेगी वनीला जेल। यहाँ पे मैंने अप्रोक्सीमेटली 250 ml मैंने दो ग्लासेस में वनीला जेल ली है। तो यहाँ पे दो ग्लासेस में आप देख रहे हैं वनीला जेल, साथ में थोड़े से हमने गोल्डन स्प्रिंकलर्स लिए हैं टू गिव इट अ ब्यूटिफुल डेकोरेशन अबव। यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ चॉकलेट गार्निशेज हमने बनाए हैं, चॉकलेट गार्निशेज लिए हैं। ये हमने ली है पुडिंग स्टिक, ये हम लोग मिक्सिंग के लिए एक कप रखा है। एंड वी रिक्वायर इज कलर्स, तो मैंने लिया है पिंक कलर एंड लेवेंडर कलर। तो ये पिंक एंड लेवेंडर कलर्स है, ये जो कलर है ये जेल कलर्स हैं। आप जेल कलर्स का उपयोग कर सकते हैं या कोई भी लिक्विड कलर का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे यू कैन यूज एनी कलर्स विच यू फील कम्फर्टेबल जो आपके पास हैं। तो आइए अब आपको बताते हैं केक के लिए क्या करना है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले एक वनीला फ्लेवर का स्पॉन्ज केक बनाया था, उसे हमने लेयर्स में कट किया, 3 लेयर्स में, और बीच में हमने लाइक जूसी इफेक्ट देके जूस स्प्रिंकल करके उसके ऊपर आइसिंग स्प्रेड की, और इस तरह से हमने प्लेन आइसिंग से पूरे केक को कवर कर लिया। तो आप देख रहे हैं हमने जो प्लेन आइसिंग होती है उससे पूरे केक को कवर किया है। अब हम आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल इफेक्ट बताएंगे ऑफ हाउ टू गिव मार्बल ग्लेज टू द केक। सो नाउ ओवर टू साहिबा खन्ना, योर शेफ फॉर टुडे। हाँ जी, तो नाउ ओवर टू साहिबा खन्ना। सो सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं हम लोग ग्लास में जो हमने दो ग्लासेस लिए हैं, एक में 250 ml हमने वनीला फ्लेवर का जो न्यूट्रा जेल आता है वो लिया है। अब एक में हम मिक्स कर रहे हैं दैट इज़ पर्पल कलर, तो एक में हमने मिक्स किया है पर्पल कलर। और जो नेक्स्ट ग्लास है जहाँ पे हमने 250 ml वनीला जेल लिया है, नेक्स्ट ग्लास में हम मिक्स कर रहे हैं पिंक कलर। सो नाउ आई गोइंग टू मिक्स टू इट पिंक कलर। कलर की इंटेंसिटी लाइक कितना डालना है ये डिपेंड करता है आपको कितना डार्क चाहिए या कितना लाइट चाहिए, कलर चॉइस आपकी है। आप कोई भी कलर ले सकते हैं, कलर तो आप ले सकते हैं, इवन द लाइक ब्रांड ऑफ द कलर डिपेंड्स अपॉन यू। मैंने कलर मिस्ट के लिए हैं, अभी बेकर्स विले के कलर मिस्ट के जो कलर्स आते हैं वो लिए हैं। तो अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, वी आर गोइंग टू मिक्स इट वेल। तो इवनली अच्छे से मिक्स कर लिया हमने, एक लेवेंडर कलर है एंड एक पिंक कलर है। द कॉम्बिनेशन ऑफ पिंक एंड लेवेंडर लुक्स वेरी वेरी एस्थेटिक, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है ये। सो अभी हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू मिक्स इट, मिक्स नहीं करना, अभी हम इसे पोर करेंगे। इसका पोरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये देखिए इस तरह से पोर करना है। एक आप बीकर में कर सकते हैं या इस तरह का आपके पास कोई पॉट होगा तो उसके अंदर कर सकते हैं। इवनली मिक्स नहीं करना होता है, सिर्फ दोनों हाथों में ग्लास पकड़ के हमने पोर किया है। इट्स अ वेरी सिंपल इफेक्ट बट इट लुक्स वेरी एस्थेटिक। अब केक के ऊपर जो हमने प्लेन आइसिंग स्प्रेड की थी उसके ऊपर इस तरह से डालेंगे। आप देखिए कितना ब्यूटीफुल शेड आ रहा है ऑफ द टू कलर्स, इट लुक्स वेरी ग्रेसफुल। आपके कोई भी क्वेश्चंस हो आप मुझसे पूछ सकते हैं नीचे, आई विल बी आंसरिंग लेटर, पूरे सबके क्वेश्चंस में आंसर करूंगी। अच्छे से टैप कीजिए ताकि इवनली स्प्रेड हो जाए पूरा, अगर कहीं रह गया है तो इवनली स्प्रेड हो जाए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये मेरे पास जैसे मेरे माइक्रोवेव के साथ में जो स्टैंड आया है मैंने उसके ऊपर केक रखा है ताकि जो एक्स्ट्रा आइसिंग है ड्रिप होकर नीचे ट्रे पे आ जाती है। तो जो एक्स्ट्रा हम लोगों ने ऊपर डाला है न्यूट्रा जेल वो आप देख रहे हैं नीचे ट्रे पे कलेक्ट हो गया है। तो आप इस तरह से जब भी आप ये आइसिंग करते हैं तो आप बहुत इंपॉर्टेंट है ये इफेक्ट के लिए कि नीचे आप जो स्टैंड रख रहे हैं वो आप जो नेट वाला स्टैंड हो जिसमें से ड्रिप होके पूरा वो नीचे चला जाए एक्स्ट्रा आइसिंग, और नीचे एक ट्रे रखिए ताकि उसमें कलेक्ट हो जाए। तो आप देखिए कितना प्रिटी लग रहा है। अभी हम इसके ऊपर स्प्रिंकलर डालेंगे, गोल्डन कलर के स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर की चॉइस आपकी, आप अपने हिसाब से पर्ल्स भी यूज़ कर सकते हैं वट एवर, बट इसके ऊपर गोल्डन बहुत एस्थेटिक लगेंगे इसलिए वी हैव टेकन गोल्डन ओवर हियर। हाँ जी, तो ये देखिए ब्यूटीफुल गैलेक्सी लुक आया है एकदम, जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। द शाइन द ग्लेस इज वेरी ब्यूटीफुल। अभी हम कुछ चॉकलेट गार्निशेज लेंगे और ये चॉकलेट गार्निशेज हम लोग इसके ऊपर लगाएंगे।
सो नाउ वी आर गोइंग टू डेकोरेट विद चॉकलेट डेकोरेटेड विद चॉकलेट गार्निशेस. आप चाहे तो रोजेस भी लगा सकते हैं बट रोजेस अभी बहुत कॉमन हो गया है. चॉकलेट गार्निशेस आर लाइक लेटेस्ट ट्रेंड इन केक डेकोरेशन. बहुत सुंदर लगते हैं और कलरफुल. हम डिफरेंट वैरायटी यूज कर सकते हैं टू मेक इट मोर ग्रेसफुल. ये कुछ वाइट चॉकलेट को ग्रीन करके हमने ब्यूटीफुल ग्रीन गार्निशेस बनाए हैं वो लगा रहे हैं. कुछ टेक्सचर्ड इफेक्ट वाले गार्निशेस थे वो लगाए हैं हमने. आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है. इट्स लुकिंग सुपर ब्यूटीफुल. हाँ जी, तो आपने देखा कितना सुपर इजी है इसे बनाना. हाँ जी, सो नाउ वी आर गोइंग टू लिफ्ट इट एकदम आराम से एंड वी आर गोइंग टू प्लेस इट ऑन अ केक बोर्ड. केक बोर्ड पे प्लेस करने के बाद में आप कलर्स की चॉइस अपने हिसाब से ले सकते हैं. वॉट एवर कलर्स यू लाइक यू कैन टेक दोज. आप देख रहे हैं कितना ईजी था इसे बनाना. जो जेल हमने यूज़ की उसे न्यूट्रा जेल कहते हैं. ये डिफरेंट फ्लेवर्स में आती है. जो हमने ली थी वो वनीला वाली थी. वनीला न्यूट्रा जेल का इस्तेमाल किया हमने. Thank you so much for your love and support. Thank you so much. Dimple Khanna signing off.